हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑटोटेक इन्फो। मैं हूं आदित्य और आज अपने पास है 100cc सेगमेंट के अंदर में आने वाली ऐसी मोटरसाइकिल जो कि एक रफ़ एंड टफ परफॉर्मेंस आपको देती है, साथ ही काफ़ी अच्छा माइलेज आपको मिल जाता है और एक फैमिली पर्पस मोटरसाइकिल है 100cc में। और इसके अंदर में अब आपको स्पोर्टी लुक भी मिलते हैं, जैसा कि अपने पास आप देख के अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे। आज अपने पास है हीरो स्प्लेंडर प्लस का 01 एडिशन। अब ये बाइक 100cc में आती है जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती है, काफ़ी अच्छी माइलेज देती है और फैमिली पर्पस से काफ़ी शानदार ये बाइक रहती है। उसी के साथ ही साथ अब कंपनी ने क्या है कि यहाँ पर आपको जो ये ग्राफिक्स वगैरह मिल जाते हैं इस वेरिएंट में, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते थे कि स्प्लेंडर लेने के बाद बाहर से मॉडिफिकेशन करते थे, ग्राफिक्स वगैरह लगाते थे, ग्रैब बार हटवाते थे, तो अब कंपनी यहाँ पर आपको कंपनी फिटेड चीज़ें मिल जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे हीरो स्प्लेंडर प्लस के 01 एडिशन से रिलेटेड, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाइक की ओवरऑल लुक और डिज़ाइन से। तो ये मतलब स्प्लेंडर ऐसी हो जाती है कि जैसा कि जो इनकी नॉर्मल वाली स्प्लेंडर आती है उससे कुछ हट के यहाँ पर जो है आपको ग्राफिक्स वगैरह मिल जाएंगे, जिससे कि जो डिज़ाइन है, लुक है, और ज़्यादा स्पोर्टी निकल के आ जाती है। जैसा कि अगर आप देखो तो ये मैट कलर आपको मिलता है इस वाले मतलब 01 एडिशन के अंदर में, जो कि काफ़ी सही लगता है देखने में। यहाँ पर क्या है कि आपको ग्राफिक्स वगैरह मिल जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको साइड बॉक्स के ऊपर में 01 लिखा मिलेगा, यहाँ पर हेड के ऊपर में थोड़ा सा ग्राफिक्स मिल जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको एडिशनल मिलती है इसके ये 01 एडिशन के ऊपर में नॉर्मल वाली स्प्लेंडर से। सबसे पहले चलते हैं इसके हेडलैम्प सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर आप देखो तो वही आपको सेम इनका हेडलैम्प मिल जाता है हेलोजन बेस के अंदर में। यहाँ पर आपको वाइट ग्राफिक्स मिलते हैं जो मैट के फिनिश के साथ में। यहाँ पर हीरो स्प्लेंडर प्लस का स्टीकर मिल जाता है। टर्न सिग्नल्स यहाँ पर आपको हेलोजन बेस मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है कि नॉर्मल वाली जो स्प्लेंडर इनकी आती है बेस वेरिएंट, वहाँ पर आपको येलो शेड के यहाँ पर कवर्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको वाइट शेड के कवर मिलते हैं। इस चीज़ का आपको डिफरेंस मिलेगा। बाकी नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। इस तरफ आपको पायरेट लैंप भी मिल जाता है और फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक विथ हाइड्रोलिक वाले सस्पेंशन मिलते हैं। साथ ही अगर आप मडगार्ड चेक करो तो आपको मैट फिनिश के अंदर मिल जाता है, फाइबर की बॉडी के अंदर मिलेगा, जो कि मतलब काफ़ी ठीक ठाक क्वालिटी का है। और उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक ही मिलती है स्प्लेंडर के अंदर में, तो वही आपको 130mm की यहाँ पर ड्रम ब्रेक मिल जाती है, जिसमें आपको इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम भी देखने को मिलता है। बाकी 80x100 सेक्शन का टायर आपको मिल जाता है 18 इंचेस के अलॉय व्हील के साथ में, जो कि कुछ इस तरीके से आपको डिज़ाइन के साथ में मिलते हैं। तो वही सिस्टम है, आपको इंटीग्रेटेड वगैरह सिस्टम मिलता है। यहाँ पर रिफ्लेक्टर आपको मिलेगा, साथ ही साथ अगर आप चेक करो तो क्रैश गार्ड आपको जो क्रोम के फिनिश के साथ में मिलता है। तो इस चीज़ के अंदर में आप अगर देखो तो 01 एडिशन है, तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती हैं। बाकी आप देख सकते हो अलॉय व्हील वगैरह का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। टैंक की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको 9.8 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। यहाँ पर हीरो लिखा हुआ मिल जाएगा आपको 3D के अंदर में, जो कि क्रोम के ट्रीटमेंट के साथ में है। यहाँ पर ग्राफिक्स वही आपको मिलते हैं जो कि फ्रंट से लेके यहाँ तक आपको मिलेंगे, वही जो आप कह सकते हो वाइट कलर के जो ग्रे वाले ग्राफिक्स मिल रहे हैं इसके ऊपर में वो। बाकी यहाँ पर स्प्लेंडर लिखा हुआ है जो कि एडिशनल मिलता है इस वेरियंट के अंदर में। E20 कंपेटेबल ये मोटरसाइकिल रहने वाली है। बाकी टैंक आप देखो तो काफ़ी सही लगता है, मतलब छोटा फील होता है क्योंकि 100cc की मोटरसाइकिल है, उस हिसाब से यहाँ पर आपको मिलता है। बार हैंडल अगर आप चेक करो तो यहाँ पर आपको क्रोम की बार हैंडल मिल जाती है और स्विचेस वही आपको मिलेंगे जैसे हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर, हॉर्न वगैरह। इस तरफ इस वेरिएंट के अंदर में आपको आईथ्रेस मिलेगा, शेल्फ एसोलेटर वगैरह सब आपको मिलता है। बाकी मीटर कंसोल वही सिंपल सा मिलेगा, जिसमें स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, साइड स्टैंड, आईथ्रेस की लाइट, गेयर इंटर इंडिकेशन, चेक इंजन, हाई बीम, लो बीम की लाइट के साथ में फ्यूल गेज वाला मीटर आपको मिलता है। बाकी टर्न सिग्नल्स यहाँ से आप देख सकते हो और यहाँ पर आपको यूएसबी पोर्ट मिलता है अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने के लिए। तो ये कुछ यहाँ पर आपको मिल जाता है इसके मीटर कंसोल और बार हैंडल से रिलेटेड। बाकी इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको आईथ्रेस की बैजिंग मिल जाती है और सबसे खास जो लगता है इस बाइक के अंदर वो ये है कि 01 यहाँ पर जो लिखा हुआ मिलता है काफ़ी स्पोर्टी फील कराता है। 4-स्पीड गियरबॉक्स सिस्टम मिल जाता है, क्लोज चेनसेट कवर है जो कि आपको मेटल के अंदर मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी फुटपैक्स की क्वालिटी काफ़ी मजबूत ये रहते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको ये क्वालिटी इनकी मिल जाती है। बाकी हीरो की बैजिंग इंजन के ऊपर मिलती है। और इंजन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 97.2cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन, जो कि लगभग आपका 8.02 PS की पावर देता है 8.05 Nm टॉर्क के साथ में। तो पावर फिगर इस बाइक का है काफ़ी सही है और उसी के साथ ही साथ ये अपनी दमदार माइलेज और रफ़ एंड टफ परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है, क्योंकि स्प्लेंडर तो आप जानते ही हो कि कहीं पर भी आप ले जाओ तो कोई दिक्कत वगैरह आपको नहीं होती है। और माइलेज भी लगभग ये आपको 70 km/h तक की दे देगी, बाकी आपकी राइडिंग के ऊपर डिपेंड करता है और बाइक कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। साथ ही रियर में यहाँ पर आपको स्विंग आर्म वाले सस्पेंशन मिलते हैं, साड़ी गार्ड यहाँ पर आपको मिलेगा और उसी के साथ में लेडीज़ फुटरेस्ट भी आपको मिलता है। और इस वाले वेरियंट के अंदर में क्या चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर आपको ग्रैब बार मिल जाती है, जो कि नॉर्मल वाले वेरियंट से अच्छी है। वहाँ पर क्या होता है कि आपको केजेज मिलता है जो कि मेटल के अंदर में होता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक ग्रैब बार मिल जाती है ब्लैक कलर की, जो कि इसको और ज़्यादा स्पोर्टी लुक निकाल के देती है। अब पहले क्या होता था कि कुछ लोग जो उसका केजेज जाता है उसको हटा के ग्रैब बार लगवाते थे, लेकिन उनके लिए ये वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर आपको लगी लगाई ग्रैब बार मिल जाती है। बाकी यहाँ पर भी ग्राफिक्स है, टेल सेक्शन में कोई बदलाव नहीं वही मिलता है। मडगार्ड वगैरह आप देख सकते हो। रियर में आपको 130mm की ड्रम ब्रेक वगैरह मिल जाती है।
साथ ही किक स्टार्ट आपको मिलेगा, एग्जॉस्ट आप देख सकते हो। तो कुछ ये आपको प्रोफाइल इस तरफ से भी मिल जाती है। तो ये कुछ आपको मिल जाता है हीरो स्प्लेंडर के 01 एडिशन के अंदर में। अब हम लोग बात करते हैं कम्फर्ट से रिलेटेड और प्राइजिंग से रिलेटेड। तो सबसे पहले बात करते हैं सीट हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपको 785 mm की जो है सीट हाइट मिल जाएगी। तो अगर आपकी हाइट जो है काफ़ी भी मतलब आप शॉर्ट राइडर भी है, जैसे अगर आपकी हाइट काफ़ी कम है तब भी आप इस मोटरसाइकिल को बड़े आराम से राइड कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, जो कि इसके हिसाब से काफ़ी सही है। और जो प्राइसिंग है हीरो स्प्लेंडर प्लस के ये 01 एडिशन की आपको मिलती है 96,000 रुपीज़ की, यानी कि 96,000 रुपये इस मोटरसाइकिल का आपको ऑन रोड प्राइस मिल जाएगा कानपुर के अंदर में। तो मतलब अगर आपको एक रफ़ एंड टफ परफॉर्मेंस वाली बाइक चाहिए जो कि काफ़ी अच्छी माइलेज दे दे, मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो और मतलब फैमिली पर्पज़ से आपको 100 cc के अंदर मोटरसाइकिल चाहिए, तो ये आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको स्पोर्टी डिज़ाइन भी मिल जाता है। तो ये कुछ आपको मिल जाते हैं फीचर्स हीरो स्प्लेंडर प्लस के 01 एडिशन के अंदर में। साथ ही अगर शोरूम एड्रेस के बारे में बात कर लें तो ये अपना श्री तिरुपति हीरो है, जिसका पूरा एड्रेस आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप यहां से आके हीरो की लाइटर में किसी भी बाइक को परचेज वगैरह कर सकते हैं। सो दोस्तों कुछ ये थी इसको ओवरऑल वीडियो। सो अगर आपका कोई डाउट रह गया हो इस मोटरसाइकिल से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसी के साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।